साध्वी दिवा ठाकुर बाना सिद्धू की गिरफ्तारी के बारे कुछ आखरे ने की आखरे ने अज की अपनी इस वीडियो दे विच असी जानांगे। खैर पहलो ते आपां वीडियो देख लेने आ, फिर करदे आ गलबात। गो करना चाहती हूँ बाना सिद्धू। बाना सिद्धू की बाना सिद्धू को मैं पिछले लॉन्ग टाइम से देखती हूँ। ना वो मुझसे कभी मिला, ना मैंने उससे कभी बात की, और ना मेरे से वो परिचित है, ना मैं उससे परिचित हूँ। लेकिन बाना सिद्धू के जो वीडियो है वो मिलियंस में वायरल होते थे, और उसने गरीब लोगों के इतने सारे पैसे दिलवाए, करोड़ों रुपया निकलवाया, जो आप पार्टी की सरकार भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, वो बाना सिद्धू ने काम किया। वहां पे एमएलए के पास कोई दरबार नहीं लगता था, लेकिन बाना सिद्धू के यहाँ 200-200 गाड़ियां खड़ी रहती थी बाहर। तीसरी बात, कुछ छुपी हुई नहीं थी, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड पंजाब के अंदर उसने खुले दरबार लगा के लोगों के एजेंटों से पैसे निकलवाए। चौथा, कई माता बहनें रोती रोती उसके घर तक पहुंचती थी और उसने सबकी बात सुनी, एक आम व्यक्ति। लेकिन हाँ, जिस बॉर्डर पर चिट्टा बिकता हो, जहां के मंत्री चिट्टे का व्यापार करते हो, जहां के पॉलिटिशियन नशे से नस्ल खुशी करने में तैयार हो, जहां के मंत्री, जहां की राजनीति पंजाब को बर्बाद करना चाहती हो, तो वो क्यों चाहेगी कि वहां पे सुख शांति हो, वहां पे कोई अमन चैन हो, वहां पे कोई युवा काम करे। और पंजाब तो बड़े लॉन्ग टाइम से, पंजाब में जब भी जवानी आती है उसको मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है, राजनीति का शिकार कर दिया जाता है या जेलों के अंदर भेज दिया जाता है। ना कभी लखा सधाणा ने मेरे को सपोर्ट किया, और ना कभी बाना सिद्धू ने मेरे को सपोर्ट किया, और ना कभी अमृतपाल ने मेरे को सपोर्ट किया, और भी 2-4-5 जो बोलने वाले लोग हैं, ना उन्होंने मेरे को कभी सपोर्ट किया। लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है इंसानियत के नाते, जब भी विषय होता है मैं बोलती हूँ, जब भी बात होती है मैं बोलती हूँ, और जो बात मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरी अंतरात्मा को लगती है मैं उस पर बात करती हूँ। तो 10,000 रुपए के जुर्म में बाना सिद्धू को अंदर कर दिया। अब अंदर करने के पीछे राज क्या है कि इन्होंने दीप सिद्धू को भी ऐसे अंदर किया था, और फिर केस के बाद केस, केस के बाद केस, और जब तक वो नहीं बिचारा शहीद हुआ मरा। हाँ जी, तो लाइव बीच में थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि रेंज कम है यहाँ। दूसरी बात ये है विशेष रूप से कि ना तो मैं लखा सधाणा से परिचित हूँ, और ना ही मैं बाना सिद्धू से परिचित हूँ, ना मैं अमृतपाल से परिचित हूँ, और ना ही मैं किसी और से परिचित हूँ। लेकिन पंजाब मेरे को अपना सा लगता है। पंजाब की धरा पे अमृतसर है, और अमृतसर के अंदर गुरु साहब का घर है, और उस गुरु साहब के घर से मेरा एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के नाते मैं पंजाब की चिंता करते हुए बोल सकती हूँ, मुझे अधिकार है। कोई मुझसे क्वेश्चन करे कि तुम पंजाब की राजनीति से क्या लेना देना, तो पंजाबी क्या, मेरा तो पटना साहब से भी लेना देना है, मेरा तो बिहार से भी लेना देना है, मेरा तो हरियाणा यूपी से भी लेना देना है। मैं तो इंसानियत के मुद्दे पे बोलूंगी, भले प्राण चले जाएं मैं बोलूंगी। ना मैं बिकने वाली हूँ, ना झुकने वाली हूँ। अब 10,000 रुपए की रिश्वत में बाना सिद्धू को अंदर कर दिया कि उसने 10 रुपए कमीशन मांगी, उसने तो धमकी दी, उसने तो ये किया। अरे तुम्हें पता क्या है, तुम्हें पछता नहीं है कोई युवा निकलता हुआ, कोई बच्चा बाहर आता हुआ, किसी का दमखम दिखता हुआ, किसी की जवानी आती हुई? पंजाब को की सरकारें मैक्सिमम वो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि किसी के लिए कोई आवाज उठाए। आप लोग चाहते हैं कि गुलाम हो। पंजाब को नशों से मारा, पंजाब को सियासत से मारा, पंजाब को जात पात के नाम पे मारा, पंजाब को खालिस्तान का नाम देकर मारा। पंजाब को क्यों खत्म करना चाहते हो? कसूर क्या है पंजाबियों का है? आपने उनकी भाषा को कोई खास महत्व नहीं दिया, आपने पंजाब को विशेष तौर पर सरकारों ने कुछ खास नहीं किया। हाँ, पंजाबियों ने, पंजाब ने अपने दमखम पर अपने बच्चों को बाहर भेजा, अपनी पहचान बनाई, रिकॉर्ड बनाया, अपने घर से 20-20 साल लोग दूर रहे। आज तुम उन लोगों की नस्लें, फिर आपने फसलों के नाम पर, जमीनों के नाम पर एक कानून ले आए। पंजाब ने तब भी लड़ाई लड़ी, पंजाब ने 84 में लड़ाई लड़ी, पंजाब ने मतलब
47 में लड़ी, कब नहीं लड़ा पंजाब। मतलब पंजाब जितनी स्पीड से उभरता है, पंजाब को उतनी स्पीड से खत्म करते हो तुम लोग। तो कहने का अर्थ ये है कि कमी कहाँ है, तुम युवाओं में है। कमी कहाँ है, सियासतदानों में है। कमी कहाँ है कि पंजाब को कभी भी, पंजाब अगर कमियां देखना बंद कर देगा ना जिस दिन, उस दिन पंजाब को कोई खत्म नहीं कर सकेगा। लेकिन पंजाब के लोगों के अंदर एकता कास हो, कास अमृतपाल के टाइम तुम बोले होते, कास लखा सिधाणा के टाइम पहले जब मामला हुआ था तब बोले हुए थे, कास तुम दीप सिद्धू के समय बोले होते, कास तुम पूरा पंजाब जब जब हानि हुई तब तब बोले होते। पंजाब के बच्चे चाहे वो क्राइम को लेके, चाहे फिर वो गलत कार्य को लेके, चाहे कोई नशे को लेके, मतलब तुमने सारी तरफ से पंजाब को खत्म करने के कितने मंसूबे करने के बाद भी पता नहीं गुरु साहब की कौन सी कृपा है, पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कौन सी ताकत पंजाब में सिखों को दी, पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कौन सा ऐसा विशेष आशीर्वाद कि आज भी पंजाब पंजाब है। लेकिन तुम सियासतदानों ने कसर नहीं छोड़ी। अंत में एक बात कहना चाहती हूँ, अगर ईमानदारी से चाहो तो इस वीडियो को शेयर करना और पंजाब सरकार तक पहुंचाना। अगर अब तुम बाना सिद्धू के विषय में नहीं बोले ना और चुप रहे, तो देखिए एक एक करके इनको तुम्हारी रगे, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी नशे पता है कि ये एक एक को उठाते हैं और अंदर कर देते हैं और तुम में से कोई बोलता नहीं। बोलते हैं तो तुम्हें पार्टियों के नाम पर, जातियों के नाम पर, समुदाय के नाम पर और धर्म के नाम पर बांट देते हैं और तुम बट जाते हो, और जब तुम बट जाते हो तो ये सरकारें तुम्हारा बेनिफिट उठाती है। तो लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ इंसानियत के नाते, धर्म के नाते, समाज के नाते कि अब उस युवा का कोई कसूर नहीं। और रही 10,000 रुपए की बात, रही पैसे मांगने की बात, अगर किसी का कोई भला करता है ना तो नेचुरल भी 20-30-50 हजार लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं। जो बंदा करोड़ों रुपए निकलवाता है उस इंसान का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए था। उसके पास तो अब तक की विरासतें होनी चाहिए थी, कई करोड़ की गाड़ियां, ऑफिस होना चाहिए था, लेकिन एक वो मंजे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, खेत में बैठ के, गली में बैठ के, चौराहे पे बैठ के तुम्हारी आवाज बुलंद करता रहा। उसने कभी कोई बड़े बड़े चैनल बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी बाना सिद्धू ने। आम सब लोगों को बोलता था कि सब लाइव चला लो, मैं बात करूंगा। तो तुमसे इतना भी नहीं पचा क्योंकि तुम किसी प्रतिभा को, किसी हुनर को, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और पंजाब के खून में, पंजाब के जनून में आपको पता है अगर पंजाब बोला तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसलिए तुम पंजाब को खत्म करना चाहते हो। बाकी पंजाब वाले तो रज गए होंगे ना पार्टी की सरकार से, हरियाणा के भी सारे नेता भाग भाग के वापस आ लिए। तो ये जो केजरीवाल है ना, अपना इलाज नहीं कर सका, भगवंत मान के ब्याह में राजी है, फिर वो अपना राघव चड्ढा की शादी में राजी है, तो ब्याह और बच्चों से फुर्सत नहीं है आप पार्टी की सरकार को। बाकी अगर किसी को लगता है कि एक युवा को, चाहे वो बाना सिद्धू हो, चाहे लखा सिधाणा हो, चाहे कोई और युवा हो, आगे बढ़ाना चाहिए, तो इनको सपोर्ट करिए। जय हिंद, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। और हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता कहना और लिखना इस वीडियो के माध्यम से शुरू करिए आप। हर कोई सिख सामने लिखे राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मैं जदों दा वीडियो बना रहा है ते मैं देख रहा कि पंजाब दे हक दे विच, पंजाब दा जेड़ा भी नौजवान आवाज उठाउंदा है उदी आवाज नू खत्म कर दिता जांदा है। कुछ नू ते बिल्कुल खत्म कर दिता गया है ते कुछ नू जेल दे विच पा दिता गया है। और आउण वाली जिहड़ी नौजवान नसल है उन्हां वास्ते एक मैसेज छड्ड दिता गया है कि पंजाब दे हक दे विच जेड़ा भी बोलेगा उहदा हाल इही कीता जाएगा। देखो जी, भाई अमृतपाल सिंह जी नू देख लो कि भाई अमृतपाल जी पंजाब दे विच नशियां नू मुका रहे सी जिस तरह संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले मुकाउंदे सी। देखो जी, वह पिंड पिंड जाके जिहड़े नशियां दे व्यापारी सी
उन्होंने फड़ रहे थे, उन्होंने छित्तर प्लेट कर रहे थे कि नशिया बंद करो। और बहुत सारे जोड़े नौजवान से उन्होंने वास्ते एक अलहदा तो जगह बनाई सी जिथे उन्होंने ट्रीटमेंट की जा रही थी। तो भाई अमृतपाल सिंह जी अज कि है जेल के। इसे तरह ही पंजाब के हक के जड़ा भी आवाज उठाता है उन्होंने जेल के पा दिता जाता है। हूँ देख लो बाना सिद्धू जिन्होंने पंजाब वास्ते बहुत ज्यादा काम किया, जेडे एजेंट लोगों के पैसे मार के बैठे हुए सी बाना सिद्धू जी ने उन्होंने एजेंटा को गूंठा गले दे के पैसे निकलवाए और गरीबों की मदद की। जसरा साधवी देवा ठाकुर जी ने दसिया कि गरीब मावा भैना बाना सिद्धू जी को आदियां सी और रो रो के उन्होंने कहनियां सी कि साड़ी मदद करो, तो बाना सिद्धू जी उन्हां दी मदद करते। बाना सिद्धू जी ने होर भी पंजाब के हक के बहुत सारे काम किए ने। एवें दी नौजवान नसल नूं हीरो बना के पेश करना चाहिए ना कि जेलों के पाना चाहिए। खैर वीडियो देख के जो मैनू लगता सी मैं अपने वीरां नूं दसदा है, जो मेरे वीरां नूं लगता है वह मैनू कमेंट के लाजमी दसन। तो इस मेरी अज की वीडियो, तो मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के। उदों तक मैनू दिओ इजाजत, रब रखा।